बड़वानी समरसता के संदेश को पूर्ण करती हुई संत रविदास जी महाराज की यात्रा बड़वानी शहर में निकाली गई। बड़वानी में संत रविदास जी महाराज भव्य मंदिर निर्माण हेतु निकाली जा रही समरसता संदेश यात्रा दूसरे दिवस का शुभारंभ साकी रिसोर्ट बड़वानी से हुआ, जहां पर प्रदेश कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल ने चरण पादुका का पूजन अर्चन कर यात्रा का प्रारंभ किया। यात्रा जब बड़वानी शहर में निकाली गई तो विभिन्न धर्म एवं समाज के लोगों ने संत रविदास जी की चरण पादुका को नमन करते हुए फूलों की वर्षा करते हुए यात्रा का स्वागत किया। बस स्टैंड पर जन अभियान परिषद एवं प्राइवेट बस एसोसिएशन के सदस्यों ने, अस्पताल चौक में भारी समाज एवं दरबार समाज ने, कुशवाहा समाज व कहार समाज, अग्रवाल समाज, ब्राह्मण समाज, स्वर्णकांड समाज ने, नगर पालिका बड़वानी ने एवं रोटरी स्कूल के पास वाल्मीकि समाज एवं चर्मकार समाज ने लोगों ने चरण पादुका को नमन करते हुए यात्रा पर फूलों की वर्षा की। विभिन्न धर्मों के लोगों ने यात्रा में सहभागिता, चरण पादुका पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया एवं यात्रा पर फूलों की वर्षा कर यात्रा में सम्मिलित हुए। युवतियों ने दल ने सामूहिक नृत्य कर अनूठे अंदाज में अपने उत्साह को प्रकट करते हुए यात्रा का स्वागत किया। वहीं महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर यात्रा का स्वागत किया। आपको बता दें, इस दौरान महिलाएं भी युवतियों के साथ समूह में नृत्य करते हुए नजर आईं। संत रविदास जी की ये समरसता यात्रा 25 तारीख को मांडव से प्रारंभ हुई, जहां पे संत जी ने तपस्या की थी, उस कुंड से प्रारंभ हुई। ऐसी 5 यात्रा अलग अलग स्थानों से प्रारंभ हुई है। ये यात्रा धार जिला होते हुए बड़वानी जिले में प्रवेश किया और बड़वानी जिले के अंदर माननीय मंत्री प्रेम सिंह पटेल जी के नेतृत्व में, हमारे यहाँ के ओजस्वी अध्यक्ष ओम सोनी जी के नेतृत्व में बहुत स्वागत हुआ। ये यात्रा अभी यहाँ से अंजल के लिए जाएगी और यहाँ से अंजल से होते हुए यात्रा राजपुर जाएगी, राजपुर से फिर सेंधवा जाएगी। हमारे साथ में अनुसूचित जाति के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री सूरज कहरो जी पूरी यात्रा के प्रभारी हैं। उनके प्रबंधन के नेतृत्व के अंदर ये यात्रा 18 दिन का सफ़र तय करके इंदौर पहुँचते हुए, धार पहुँचते, हरदा पहुँचते हुए नर्मदापुरम, होशंगाबाद और सागर के लिए प्रस्थान करेगी। 12 तारीख को हम लोग सब सौभाग्यशाली है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री इसकी भूमि पूजन करने आ रहे हैं। ये यात्रा का उद्देश्य ये है कि 55,000 गाँवों की मिट्टी को एकत्रित करके 350 से अधिक नदियों का जल को इकट्ठा करके ये यात्रा वहाँ पहुँचेगी और इन मिट्टी और जिन जल से वहाँ संत रविदास जी के मंदिर निर्माण जब भूमि होने वाली है वहाँ पर एकत्रित होकर उसकी पूजन होगा। खबर भारत वर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।